नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सह मु कमलाकांत। प्रथमे हेडलाइंस। अफगान संकट को नहीं जी सेवेन इमरजेंसी मीटिंग, सुरक्षित पास ग्यारंटी तालिबान आगे दाबी, लोकंकु उधार नहीं बैठक में पांच सूत्री योजना। 31 अगस्त भितर आमेरिका खाली करिबनी काबुल एयरपोर्ट। ओडिशारे आरएसएसर सर संघ चालक मोहन भागवत पांच दिनिया गस्तर संघर सांगठनिक बैठक में करेंगे गुरुत्वपूर्ण आलोचना। पुरी जाई महाप्रभु श्री जगन्नाथ को करेंगे दर्शन। राज्यर विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति को भेटार कार्यक्रम। ब्राजिला टोकियो पारा ओलंपिक्स बिगुल बिना दर्शक रे उद्घाटन समारोह। भारत भाग ने 54 जनिया टीम ट्वीट कर खेलाड़ी को शुभेच्छा जनइले प्रधानमंत्री मोदी। कलाहांडी आसला अभावनीय घटना, स्त्रीर जुई को डेला स्वामी, नियारे जली स्वामी मृत्यु, गोटे जुई में जलिला पति पत्नी चिता। राज्य में पुणी जननी जंत्रणा, मलकानगि खटियारे 4 किलोमीटर बुहा हेले गर्भवती, कंधमाल गाँव में 2 किलोमीटर स्ट्रेचर बुहा हेले गर्भवती, अधा बाटर देले कन्या संतान को जन्म। गरीब परिवार उपरे तहसीलदार को जुलूम, जेसीबी लगाई माटी रे मिसाई देले आवास घर, भूमिहीन होइतिबारु सरकार पठु मिलिथिला जमी, एबे न्याय अपेक्षा रे बलांगीर रो गंगाधर सिंह। कंधमाल आसिला नियारा भाईचारा दृश्य, गाँव में होची गाँ कलीर समाधान, वर्ष वर्ष धरी गाँ को माड़िनी पुलिस, जीवाकू पड़िनी कोर्ट, परस्पर सहयोग रे आगकू बढ़ुची गाँ, आदिवासी अंचल आसुची एकतार बार्ता। एवं आज इंडिया इंग्लैंड तृतीय टेस्ट लीड्स ग्राउंड रे दुई दल भितर टक्कर, जाडेजा स्थान रे अश्विन को मिलपे स्थान, पांचटिका सीरीज रे 1-0 रे आगे रही भारत। एबे संपूर्ण खबर। तालिबान नूतन सरकार घोषणा करिबारो शेष पर्यायर थिबा बेले जी सेवेन जरूरीकालीन बैठक अनुष्ठित होइछि। लोकंकु सुरक्षित उद्धार पाई जी सेवेन बैठक में पांच सूत्री योजना करा जाइछि। अगस्ट 31 परे अफगानिस्तान आसिबाकु चाहुथुबा लोकंक पाई सुरक्षित पास निश्चित करिबाकु जी सेवेन बैठक में दाबी होइछि। सेबडे अगस्ट 31 पूर्वरु काबुल एयरपोर्ट छाड़िबाकु मना कर दैछि अमेरिका। अफगानिस्तान संकट को नहीं जी सेवेन जरूरीकालीन बैठक, तालिबान नूतन सरकार घोषणा करिबारो शेष पर्यायर थिबा बेले बैठक अनुष्ठित होइछि। अफगानिस्तान रु पलायन करुथिबा लोकंक पई तालिबान निश्चित सुरक्षित पास ग्यारंटी करिबा पई जी सेवेन दाबी करिछि। अगस्ट 31 परे बाहर को आसिबाकु चाहुथिबा लोकंक पई सुरक्षित पास निश्चित करिबाकु जी सेवेन बैठक रे दाबी करा जाइछि। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अध्यक्षतारे अनुष्ठित बैठक में भविष्य में तालिबान सह जड़ित होबाकु जाउथिबा रास्ता पई एक रोडमैप प्रस्तुत नहीं जी सेवेन राष्ट्र समूह सहमति प्रकाश करिछंती। The UK alone has taken 9,000 people out of Kabul. I think 57 flights. Huge effort by our military, and we will go on right up until the last moment that we can. But you've heard what the President of the United States has had to say. You've heard what the Taliban have said, and I think you've got to understand the context in which we're doing this. We're confident we can get thousands more out, but the situation at the airport is not getting any better. There are public order issues. There are harrowing scenes for those who are trying to get out, and it's tough for our military as well. And so what we've done today at the G7. Is we've got together the leading Western powers and agreed not just a joint approach to dealing with the evacuation, but also a roadmap for the way in which we're going to engage with the Taliban, as it probably will be a Taliban government in Kabul. ऐसा हो G7 बैठक करे पांच सूत्री योजना करा दे छी। प्रथम अफगानिस्तान रे फसी रहिथिबा लोकंकु बाहर को आनिबा, द्वितीय
आतंकवादी पीड़ितंकु साहाज्य करिबा। तृतीय मानविकता आधार रे अफगानिस्तान लोकंकु साहाज्य करिबा। चतुर्थ एक सुरक्षित स्थान को आईनगत मार्ग दे अफगानिस्तान रो लोकंक निकट रे पहुंचिबा। ओ पंचमरे अफगानिस्तान रे नूतन सरकार सहित मुकाबला करिबा पई एक स्पष्ट नीति प्रस्तुत करिबा परे गुरुत्व दिया जायछि। The number one condition we're setting as G7 is that they've got to guarantee right the way through through August the 31st and beyond safe passage for those who want to come out. Now some of them will say that they don't accept that, and some of them I hope will see the sense of that, because the G7 has very considerable leverage economic, diplomatic and political. अन्यपटे 31 अगस्त सुधा अफगानिस्तान छाड़ीबा को विदेशी बाहिनी को निर्देश देछि तालिबान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ओडिसा आसी छंती आरएसएस रो सर संघचालक मोहन भागवत 5 दिन ओडिसा गस्तरे आसी भुवनेश्वर पहुंचि छंती भागवत। ओडिसा रो विशिष्ट व्यक्ति मानक साक्षात करिवार कार्यक्रम रहिछि। सेपरे अगस्त 26 रे पुरी जाय महाप्रभु श्री जगन्नाथक दर्शन करिवे। एहा स गोवर्धन पीठर पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को मध्य साक्षात करिवार कार्यक्रम रहिछि। यापरे संघर विभिन्न बैठक रे से जोग देबे। एही बैठक रे साधारणत सांगठनिक विषय उपर गुरुत्व दिया जिवो। कोरोना संक्रमण रे पीड़ित लोकंकु सहायता करिया पई आरएसएस को द्वारा करा जाउथुबा राज्यव्यापी विभिन्न सेवा कार्य समीक्षा करिवे। तबे कोविड-19 नियमर पालन करा जाय समस्त कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। कोरोना कारणरु कोनोसी साधारण सभा अनुष्ठित हेबो नाही बोली सूचना मिलछे। तबे एने अधिक आलोचना करिबा मोहन भागवंत को गस्त को नै कि हम प्रतिनिधि भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती हम सहित जोडै छथि। स्वप्ना, आज मोहन भागवत कौन कार्यक्रम रही आग को जो मीटिंग रही पूरी मध्ये से जिबे कौन अधिक अपडेट रोचे जहाँ मोहन भागवत को ओडिशा गस्त को लेकिन खास करके संघ कथा कहतु एवं खास करके राज्य कौन कार्यक्रम रही। देखु कमलाकांत, गत काली राति अर्थात गत काली 24 तारीख रे भुवनेश्वर एयरपोर्ट बा 11:45 समय रे मोहन भागवत जी पहुंची एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रो सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ए गस्त 5 दिनिया तांकर ओडिसा रे रहिबो। एवं ए 5 दिनिया ओडिसा प्रवास सारी अगस्ट 29 तारीख दिन से ओडिसा रु प्रत्यावर्तन करिये बोली संघ रो जहां कर्मकर्ता मानकर सूचना रही छि। सेपटे कहा जाउछि जे डॉक्टर भागवत तांकर प्रवास समय रे ओडिसा रो विभिन्न विशिष्ट बरेण्य व्यक्ति मानक सहित भेटिबे। एहा सौजन्यता मूलक साक्षात हेई पारे बा विभिन्न व्यक्तिगत विषय कथा रखि पारंती बा राज्यर अनेक सांप्रतिक स्थिति बा कोरोना समी कोरोना रो जो स्थिति रहिछि एवं संभाव्य तृतीय लहर आसछि कमलाकांत ताकु मध्य नै अनेक विशिष्ट व्यक्तिक सहित आलोचना करि पारंती एवं पर्यालोचना करि पारंती बोली सूचना रहिछि। सेपटे आसंता काली अर्थात अगस्ट 26 तारीख दिन डॉक्टर भागवत पुरी जिबे एवं पुरी जाई महाप्रभु श्री जगन्नाथक दर्शन करबा सहित गोवर्धन पीठर पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को मध्य भेट करिवे। जेतेबेले मोहन भागवत पूर्वरु जेतेबेले भी आसीछंती ओडिसा राज्यर तमाम लोकंकु भेट करबा सहित सांगठनिक विषय चर्चा रखंती एवं निहाति कोठना कोठी से जगन्नाथ धाम को जाई के बुली एवं महाप्रभु का आशीर्वाद मध्य भिक्षा करथांती। तेणु ए वर्ष मध्य बा ए समय रे मध्य समान ढंग रे से महाप्रभु का दर्शन करिवे एवं एही जो बैठक रहिबो 5 दिन बैठक कोनोसी पब्लिक मीटिंग रहिबो नाही जा संघ पक्षर सूचना रही कर्मकर्ता माने सूचना देखते जो भाई भाव में कोविड संक्रमण बढ़ुची एवं तृतीय संभाव्य लहर रही तेणु कौनसी भी गोटे पब्लिक जहां बैठक रही हेब ना। ये बैठक में साधारणतः जहां सांगठनिक विषय रही संघ जहां जहां कार्य कर विशेष ध्यान दिजाव। ए जो करोनार द्वितीय लहर वर्तमान चली प्रथम व द्वितीय लहर जो लोक मानी संघ कम कर स्वयंसेवक मान द्वारा राज्यव्यापी जो 100 दिन मास सेवा कार्य नियाइथिला एवं ता बाद जो सेवा कार्य करा जायथिला तारो समीक्षा करिवे डॉक्टर भागवत। एथि सहित राज्यर अनेक संघर स्वयंसेवक माने मध्य आज भुवनेश्वर गस्त करिवे एवं तृतीय लहर को नै कि आकलन करिवे। एथिपई आवश्यक जहां कार्य योजना उपर विचार करा जइबो जेतु तृतीय लहर सामना को आसुचि सब समय रे स्वयंसेवक माने आगु को आसनंती काम करंती तेणु ए महामारी समय रे कार्य करथिले। आरएसएस पक्षरु वर्तमान कोविड समय रे
पब्लिक मीटिंग हेनी कितु अंपटे देखा गले आरएसएस पक्ष विभिन्न स्थान में जो सेवा कार्य रही तार मोहन भागवत समीक्षा करपारती बहुत बहुत धन्यवाद ये आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि रही अधिक अपडेट दौले मोहन भागवत को ओडिशा गस्त को लेकिन ओलंपिक्स परी बिना दर्शक अनुष्ठित हो पारा ओलंपिक्स उद्घाटन समारोह निकटे टोक्यो ओलंपिक्स शेष होता बेले आज आरंभ हो पारा ओलंपिक्स देशर 54 जन पारा आथलेट एथिरे अंशग्रहण कर चलित पारा ओलंपिक्स 163 देशर 4500 खेला 22 खेल में 540 इवेंट रे प्रतिद्वंदिता करेंगे सेपटे उद्घाटन समारोह कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज कार्यालय देखा सह खेलाली मनोबल बढ़ाई मोदी ट्विट कर खेलाली शुभेच्छा जनवा सह समस्त खेलाली आम गर्वित गली प्रधानमंत्री कहते India had a great games in 2016. They won multiple gold medals for the first time and they're sending their biggest ever contingent to Tokyo, 54 of whom will be competing. A new addition to the schedule. Strira jui ku deila swami, gotie jui re jalila swami ebong stri ko chita. Kalahandi jila Kenga thana Sialjodi ga re ebhali ghatna dekhibak milichi sombar bilambit rati re Nilamani Sabaranka stri रायबरी सबरों हृदघात मृत्यु घटी तबे संध्या समय रायबरी शव सत्कार चली बेले स्त्री चिता को डेईले स्वामी एवं नीलमणि सबर जेकि स्वामी थे चितार ही मृत्यु घटी और गोटे जुईरे जली पति पत्नी चिता एभल एक हृदय विदारक दृश्य कलाहांति आसुची जहाँ को नहीं बर्तमान राज्यव्यापी चर्चा हो पहुंच पारानी आंबुलांस स्ट्रेचर में बुहा हेले गर्भवती अधा बाटे कन्या संतान को देले जन्म यह दृश्य देखा मिली कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक भ्रमरबाड़ी पंचायत लदांग गाँव में रास्ता खराब थी गर्भवती निकट में आंबुलांस पहुंची नपरबार ग्रामवासी स्ट्रेचर में 2 किलोमीटर बोही आंबुलांस निकट को आने समय अधा बाटे महिला प्रसव महिला प्रसव होता महिला जनक एक शिशु कन्या को जन्म देते पर उभय माँ और झीव को दारिंगबाड़ी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करपटे मलकानगिरी जिले में देखा मिली जननी जंत्रणा रास्ता नहुँची पार ना आंबुलांस खटिया 4 किलोमीटर बुहा होते गर्भवती चित्रकोंडा ब्लॉक कुनिगुड़ा गाँव में देखा मिली से भली घटना पर महिला चित्रकोंडा उपखंड स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर आपड़ दुईट चित्र बर्तमान आपण स्क्रीन में देखिपे गोटे कंधमाल एवं आउ गोटे मलकानगिरी जहाँ दर्शाऊँ राज्य में किभली भाव में माँ को सम्मान मिलू वर्तमान भी स्वास्थ्य सेवा किभली अपहंच रही शुद्ध पानी जल जोगाइबारे विफल राज्य सरकार प्रजा और बास्तवता भितर आकाश पाताल फरक ओडिशा रे फेल मारी जल जीवन मिशन नीति आयोग रिपोर्ट खोली सरकार पोल सेपटे राज्य सरकार ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना मध्यम समस्त सहरांचल को शत प्रतिशत स्वच्छ पानी जल जोगाई देबे बोली घोषणा करिसेंती हेले राज्यर विभिन्न अंचल रे एबे भी विशुद्ध पानी जल पाउ नथिबा नै बारंबार अभियोग आसुची जहाँ को नहीं राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करिसेंती विरोधी कलाहांडी जिला लांजीकड़ ब्लॉक रो किटिंग व माड़ीबंधा गाँ उभय गाँव में पखापाखि 300 लोक बसवास करती ग्रामवासी राति पाहिले नीति एठी पीवा पानी चिंता बहु दाबी परे गोष्ठी पानी जल जोगाण विभाग द्वारा 1,69,00,000 टंका व्यय 2017 पानी टांकी निर्माण पर कार्यादेश होता 2019 कार्य आरंभ होला किंतु लोकों को आज पर्यंत स्वच्छ पानी टोपाए मिलला नहीं गाँव में गंडा गंडा टैप बसा जा कौन से टैप सठिक भाव पानी आसुना 2019 रे काम टाट है आज्ञा 2021 गला के पा सप्लाई नहीं पार्बा आर जेनटा पाइपलाइन मैंने दीचन आज्ञा सीमेंट खड़े खड़े उठे दीचन सब किसी बंद बंद है माड़े जेई भी आसबार नहीं आज्ञा इनके देखी काम हो नहीं हो कि नहीं आज्ञा दु वर्ष है पानी टांगे बनैली आर हेता खाली पाइप मन जहाँ तक लगे चुप पड़ी खाली पाइप मन पूरा लगे देखने पानी चलवा चलवा बोल दुई वर्ष अढ़े वर्ष है पान नहीं चलवा कोटी कोटी टाँग खर्चा कर सरकार गरीब दुखी लगी से गरीब दुखी भी सप्लाई कर निकटरे नीति आयोग द्वारा प्रकाश पाई कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स तथ्य हिसाब से 17 राज्य भितर ओडिशार स्थिति सबुठ अधिक संगे जहाँकि राज्य सरकार पानी जल परिचालनार सत्य को पदारे पकाई
एथसहित ग्राम्य जल जोगाण मानर अवनति को नहीं ओडिशा को समालोचना करिछन्ति नीति आयोग। दिनक दिन भूतल जल विषाक्त होता बेले राज्य सरकार को पानी जल जोगाणे शिथिलता जो गांव और सहर में लोक माने पीबा पानी पा ना अनेपटे केन्द्र सरकार को जल जीवन मिशन रु मिलता तथ्य हिसाब से ओडिशा रे मोट घर संख्या 85,66,513 होता बेले मात्र 28,94,457 घर बा 33.8% पानी टैप संयोग हो पारी। से भले मोट 47,412 गांव केवल 4,284 गाँव में 100% टैप संयोग हो ड्रिंकिंग वाटर आज ओडिशा रे अनेक जगार गोटे शुद्ध पा एक अनेक जगार आज उपलब्ध नुहे टाइम टू टाइम ए पानी को सब टेस्ट हवा दरकार कहीं भाव में जो खोली देकर जो ये कौटी सालिनिटी वाटर पड़ा कौटी मिनेरल्स आसला नीति आयोग जो कही भूल कहीना राज्य सरकार वाटर मैनेजमेंट कथा हो जो कथा कहते लोकमानक विशुद्ध पानीय जल जोगाई देबा सकाशे विभिन्न केन्द्रीय योजना रे राज्य को केन्द्र सरकार अनुदान देउछन्ती। 2021-22 रे जलशक्ति मिशन रे 3,323.42 कोटी टंका ओडिशा को मिलछि, किंतु 2021 जुलाई 26 तारिख रे लोकसभा रे उपस्थापित केन्द्र जलशक्ति मंत्रालय तथ्य एक कहि जे ओडिशार 3,465 जनबसति में पानी जल उत्सगुड़िक रासायनिक उपादान फ्लोराइड आर्सेनिक लौह लवण नाइट्रेट हेवी मेटल द्वारा प्रदूषित। आसाम बिहार राजस्थान पर जल प्रदूषण में ओडिशा होउछि चतुर्थ। भुवनेश्वर कैमरामैन हेमंत प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गरीब परिवार उपरे तहसीलदारक जुलुम जेसीबी लगाई भांगी देले आवास घर घर छात पड़ सारा प्रशासन कहि जंगल जमीर होर जितेबले कि हिताधिकारी संपुक्त जमी सरकार भूमिहीन होता एथपाई से खजना भी देखते सेपटे यह चुप रही पूरा ब्लॉक प्रशासन। तहसीलदार दादागिरी जेसीबी लगाई माटी रे मिसाई देले आवास घर न्याय आत्महत्या धमक देले गरीब हिताधिकारी ए हेउछि बलांगीर सदर थाना कुटुमडोला पंचायतर गंगाधर सिंह घर निहाति गरीब और भूमिहीन से स्थान में राज्य सरकार तरफ 2 डिसिमिल सरकारी जगह दि जाइला एथिपाई खजना भी भरी 500 टंका निहाति गरीब हो 2020-21 आर्थिक वर्ष रे प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा को योग्य विवेचित होते गंगाधर सर्भे परे आवास घर निर्माण पर वाक अर्डर धार करज करी आवास घर निर्माण कले प्रथम 3 किस्ती टंका पाइले एवं जंगल जमीन होता कही घर भांगी बलांगीर तहसीलदार भगवान बाग आवास घर पाइबी खोला आकाश तले गंगाधर प्रतिवाद रे जिलापाल ऑफिस आगे धारणा देखते गंगाधर न्याय न पाइले जिलापाल ऑफिस आगे विषपी आत्महत्या करने को बाध्य हेबी बोली से धमक दे मत लुटिस लगवार कथ कि तारीख दिन तोर घर भांगम बोलिए मत कही आज्ञा मुझ सात बजे मुझे कहाँ मजूरी काम कर बलांगीर इतिर यार किसी कथा नहीं नंबर घर दे मोर जीव हत्या है कि नहीं ना अगर किसी नहीं आज्ञा देखुवे कलेक्टर साहब निजे पूरा मुई जहर बीस पी कर सामने पूरा आत्महत्या करी मोर घर गांव वाले कर पैसा खाई करी भांगी छन मो घर रहमू कलेक्टर के आमे जनामू जिलापाल के से केन जगह देबे जे सनो आमे रहमू मोर घर भांगी दे छन या दे केन रहमे आज आमे गरीब लोग है मोर बापा मजूरी काम कर जीथिले आउ केन मोर रहमे केन गोछ खुटतले रहमे आउ सरकार जदि जो दउछे ई घर बोले काहेला जे भांगुछे प्रधानमंत्री आवास योजना देला सरकार देला की भांगुचे आवास घर पाइबी खोला आकाश तले रहिबाकु गंगाधर को बाध्य करिछि बलांगीर जिला प्रशासन सेठारे अन्य 3 जन घर अच्छे किंतु सेथिरे हात मारिनी प्रशासन जहाँ कु नहीं नीरव रही तहसीलदार और बीडीओ आवास भंगा कु नहीं ईओ जीआरएस सरपंच बीडीओ और तहसीलदार का भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई सामाजिक कर्मी एक्चुअली जितेबले आर आई रिपोर्ट देखो ये सही गोटे पत्रा जंगल किसम जो अब्जेक्शन लैंड
से उपरे घर तैयारी चलती तो यहाँ बहुत दिन आगे आम स्टे दिखाई एवं इविक्शन नोटिस भी दिखाई तो से स्टे को आउ इविक्शन नोटिस को खातिर कलानी से पुणी फर्दर कंस्ट्रक्शन करुले तो से वारंट भी इश्यू कराई तो से वारंट आसिकी मो कोर्ट प्रेजेंट होकर से लिखी थी विदिन फाइव डेज मुझे डिमोलीश करदे बोल तथा से डिमोलीश कले से आज पर्व इविक्शन कर गोटे कौनसी भी लोकर घर भांगवार आगरू बहुत चिंता करवा कथा आई घर भांगवाटा निंदा करुचे कि बाकी जहाँ आप कहे भेरिफिकेसन नहीं कर दिगला प्राक्टिकली भेरिफिकेसन कर संभव नहीं था जितेबाला अभियोग आसे एंता प्रकार स्थित आसीए आज जब अभियोग नहीं आसला से गली भी जाए आर किए भी पतरा जंगल नहीं बन थे किसी ग्यारंटी भी ना न किंतु से तार भाग्य खराब है तार गाँव लोक कम्प्लेन कले जार फल से दंड पाला कि प्रशासन के मुझे भी अनुरोध करें आमर तहसीलदार साहब के किसी दिन समय दि जाए आज्ञा बोला कि सी कहे जथे समय दिगलान आउ समय दि नहीं प्रश्न उठू जदि जंगल जमी थी तेल प्रशासन घर तैयारी अनुमति देला केमी आवास घर भांगापी अनुमति देला किए बिना नोटिस अतर्कित भाव कहीं भांगे गंगाधर आवास घर वर्षा दिन में गंगाधर परिवार एवं रहिबे केउठिए वाड़े गला राज्य सरकार मुंड उपरे पक्का घर स्लोगान गंगाधर परिवार को न्याय मिलिब तो बलांगीर वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत तरुण साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। शासक दल विधायक बोली सात खुन माफ कोविड नियम उड़ाइले धज्जिया विधायकों पर खोलगला कटका भितर तारा तारिणी मंदिर से राति अध पर्यंत खोला रहिला रामलिंगेश्वर पार्क सब आश्चर्य कथा ए सब चली प्रशासन जानतर नियम भांगी पार्क और मंदिर बुलिले शासक दल गंडा गंडा विधायक शासक दल बुली सब माफ कर प्रशासन गंजाम जिले में नियम केवल लोकों पर शासक दल नेता और मंत्री ना कटक देखु कोविड नियम केमी धजिया उड़ाई शासक दल विधायक और मंत्री गंजाम गस्तर शासक दल गंडा गंडा विधायक हिंजिलिका टू उन्नतीकरण सह 5G अधीन स्मार्ट स्कूल परिदर्शन जाउछन् विधायक मैंने गत 21 तारीख में प्रथम पर्यायर जाते 20 रु अधिक विधायकों समेत किसी मंत्री ठीक से 23 तारीख में किसी विधायकों मंत्री गस्त करते सब विधायकों पर सब नियम भांगी देला प्रशासन साधारण दर्शन बंद थी तारा तारिणी मंदिर को शासक दल विधायक और मंत्री खोलगला मंदिर बुलवा सह फोटो उठाइबा को पोज देथिले विधायक आमे सरकार आम आमर भोट देवा द्वारा से स्थान पाई किंतु से अलग रूल रेगुलेशन अच्छी आमपाई आम साधारण जनता तो आमपाई अलग रूल रेगुलेशन रखिंट से आलाव करागला कि साधारण भक्त मान आलाव करागला ना तो सहीठे मानने बहुत दुख लगुच कहवापी कि यह पिस्थित मानने को प्रकार आम किसी जापर आजा एवं देखु ब्रह्मपुर महानगर निगम रामलिंगेश्वर पार्क कोविड कटका राति 8टा पर बंद रोला पार्क एवं किंतु अधराति पर्यंत पार्क खोला रही एमतीक पार्क भितर ही खावा को व्यवस्था बड़ कथा सब जिला प्रशासन जानते ही कोविड कटक भितर तारा तारिणी मंदिर गंजाम प्रसिद्ध पीठ बंद अच्छी सर्वसाधारण दर्शन निम्ते बंद थे एम अबाधर से प्रवेश करबाधर परिभ्रमण कर बुलूं ये स्वतप्रवृत भावे सिद्ध हो पंडित पुओ माकड़ मारे दोष ना ये संपूर्ण लागू होजु जनता दल पर ये ठीक नुह अलज्जा हो गले एवं जन असंतोष आउटब्रस्ट हम जिते बड़े समस्त मंदिर गंजाम जिले में बंद केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायकों पर किमी तरा तारिणी मंदिर खोलू ये एक अजब नीति आम यह दृढ़ निंदा करुचु सरकार जो डबल स्टैंडर्ड कथा काम नक अंत लोक गोटे भल बार्ता दिंतु सरकार जेहेतु स्वेच्छाचारित चली तो सरकार जो मैंने अंशीदार अंशीदार मान अच्छा जमीक ब्यूरोक्रेट्स मैंने अच्छा एम एल ए मैंने अच्छा
ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବ କିଏ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ସତେ ଯେମିତି କୋଭିଡ କଟକଣାରୁ ଉପରେ ସେମାନେ, ନା ପ୍ରଶାସନର ଭୟ ନା ନିୟମର ନିଘା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ। ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ହେବ ଟକ୍କର। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ରିସବେନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲିଡ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଖବରରେ ସମୟ ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।